इसके पहले तो मैं एक छोटा सा गांव जो बिरनपुर है वहाँ मैं रहता था। हम चार भाई थे और हम एक बहन थे। हमारे घर परिवार, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, शुरू से ही बहुत गरीब थे। हमको छोड़ छोड़ के शहर चले जाते थे। 2 महीने 4 महीने काम करने के बाद शहर से फिर आते थे। ऐसे आना जाना लगा रहता था। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई लोग जाना चालू किया, पिताजी के साथ हमको छोड़ देते थे। हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर शहर जाते थे और हम पढ़ाई करते थे। तो हमारा सबसे जो बड़ा भाई है वो अपाहिज है, तो उसको छोड़ के जाते थे। वो कॉलेज तक के पढ़ाई किया, 12वीं तक के। नौकरी लगने की बहुत कोशिश किया लेकिन हम गरीब थे तो नौकरी नहीं लग पाया। एक मेरे से बड़ा और मंझला भाई है, उसको 5वीं तक के पढ़ाया। फिर वो दूसरे के यहाँ नौकरी, जिसको हम नौकरी लग गए, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस नहीं, जो गांव की तरफ, गांव के गौटिया के यहाँ महीने से नौकरी बोलते ना, वो नौकरी में लग गए। फिर उसके बाद में मैं 5वीं तक पढ़ा। 5वीं तक पढ़ने के बाद में मैं भी फिर अपने जहाँ मेरे पिताजी लोग जाते थे मैं भी जाना चालू कर दिया। वहाँ गया एक साल, जैसे ही वहाँ रहा गाँव नागपुर शहर में महाराष्ट्र का, फिर शादी करने के बोला मेरे बड़े भाई और मंझले भाई के। मेरे से 2 बड़ा है, एक सबसे बड़ा जो पैर से अपाहिज है, दूसरा जो है वो भी 5वीं तक पढ़ा। फिर दोनों का शादी करने का मन बनाया पिताजी ने, तो लड़की ढूंढना चालू किया। लड़की ढूंढा तो मंझले वाले भाई का रिश्ता पक्की हो गया। बड़े वाले भाई जो पैर से अपाहिज है उसके लिए रिश्ता ढूंढा, मिला नहीं मिला था। उत्ते में किसी ने हमारे गांव से तो दूर में इधर खैरागढ़ क्षेत्र में एक गंडई करके गांव है, वहाँ पे कुछ नौकरी का ऑफर आया उसको कि नौकरी यहाँ आया। वो प्राइवेट नौकरी नहीं था, कुछ किसी संस्था हिसाब से नौकरी, कॉलेज में छोटे बच्चों की ट्यूशन सही कर। तो बोले नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, बोले वहाँ नौकरी लग रहा, वहाँ नौकरी करूँगा बोले। तो फिर हमारे जो मंझले वाले भाई का रिश्ता पक्की हो गया था, तो उसको बोले जो मेहमान को, अपने पिताजी अपने समधी को, कि बड़े वाला जो है अभी नौकरी करना चाहते, एक साल टाल देते शादी को, अगले साल शादी करेंगे करके। लेकिन वो जो नया रिश्ता जोड़ा था वो तैयार नहीं हुआ। फिर मजबूरी से मेरे लिए रिश्ता ढूंढना पड़ा, मेरे पिताजी को मेरे लिए लड़की ढूंढे। तो लड़की मेरे को आसानी से मिल गए। फिर उसके बाद शादी हो गई। मेरा शादी, हम 2 भाई का शादी हुआ, जो पैर से अपाहिज उसका नहीं हुआ, मेरा और मेरे से बड़ा मंझले भाई का हुआ। शादी होने के बाद फिर हम शहर चले गए। उस टाइम में तुरंत नहीं आते थे, ये शायद 1985-86 की बात है। तो उस टाइम एक साल के बाद में मेरा जो मिसेस है वो आया एक साल के बाद में। तो मेरा तो चालू हो गया था, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया था, शादी से पहले एक साल शहर भी चले गया था। तो जैसे ही भी मैंने गौना करा के लेके गया तो शहर में लेके गया। फिर शहर में मैं ज़्यादा करके, मैं शहर में, मेरे पिताजी मेरे भाई लोग यहाँ रहते थे, मैं शहर में रुक ही गया था मैं। तो सबसे पहले तो मैंने सब्जी का टोकना धोया, जो वहाँ मंडी है सब्जी मंडी, सब्जी का मंडी धोया, सब्जी का टोकना धोया सिर पे। उसके बाद कुछ दिन सब्जी धोते धोते नींबू वाले से जान पहचान हुआ, तो कुछ दिन मैंने नींबू भी बेचा, 2 महीने 4 महीने। फिर उसमें ज़्यादा नहीं जमा, कहने का मतलब कमाई नहीं हुई और नहीं जमा वो मेरे को नींबू बेचना। तो मैंने एक गन्ने का दुकान था, गन्ने की दुकान में भी काम किया। गन्ने का रस, जैसे अपन चाय के सीके नहीं बोलते, चाय के लेके जाते वैसे गन्ने का रस बेचा। गन्ना का रस बेचते बेचते मेरे को फ्रूट मंडी में पहचान हो गया, तो फ्रूट के दुकान में काम किया मैंने। फ्रूट के काम में करते करते मेरा पिताजी
रिक्शा चलाता था, हाथ रिक्शे, हाथ रिक्शे चलाता था। तो हम पिताजी के जाने के टाइम दे मैं लेके जाता रोड तक, मैं निकालूँ करके हम चौकी से रोड तक निकाल लेते, थोड़ा गली रोड से बाजू गली में रहते हैं, लेकिन दे मैं निकालूँ करके रोड तक निकालन। और शाम को आवे ना, फिर वो टाइम ना देखें कि बाबू आवत हुई तो रिक्शा धर के लाऊँ करके चौकी से। ऐसे करते करते मैं रिक्शा ही चलाना सीख गए। पहले तो रोड तक तो छोड़ते थे, लेकिन पिताजी लेट है चलो थोड़ा आगे से घूम के आ जाते, तो हम रोड के निकालने के चक्कर में किलो दो किलोमीटर आगे भी घुमा लेते थे। आगे घुमाने के बाद में हमको फिर जहाँ हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहा वहाँ पे हमको आना रहता, तो उधर से हमारे को कोई सवारी मिल जाता था। जैसे कि हम यहाँ साझा से निकाले रिक्शा, पिताजी हमारा इंतजार कर रहा, हम आगे निकल गए यहाँ तक के, जैसे कि पास में तेंदू भाटा 2 किलोमीटर वहाँ चले गए, हमको फिर साझा आना है, तो कोई हमको सवारी मिल गए कि चलो भाई हमको साझा जाने करके वापसी में उसको बिठा लेते थे। ऐसे 2 बार 4 बार ऐसे हुआ तो हमको लालच, इसको लालच क्या है बोले, या तो कमाई पैसे दिख गए हमको कि नहीं हम ऐसे चलाएंगे, अभी हम यहाँ से यहाँ लाए तो इतने रुपये मिले, हम अगर दिन भर चलाएंगे ऐसे मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, मन में ये भावना आ गए। फिर मैंने वो जो फ्रूट की दुकान था फल फ्रूट के, वो छोड़ दिया, रिक्शा चलाना चालू किया। वही मंडी में गया जहाँ मैंने सब्जी का टोकना धोया, गन्ने का रस बेचा, नींबू बेचा, वही मंडी में रिक्शा लेके गया, सब्जी मंडी में सब्जी का मोहल्ले जैसे कि साझा मंडी है तो उधर मुसवा बोल उस साइड, यानी मंडी के चारों तरफ पहुँचाना पड़ता सब्जी को, तो हमने रिक्शे से सब्जी पहुँचाना चालू किए। फिर ऐसे धीरे धीरे पहचान हुआ था, तो उस टाइम में नींबू बाहर जाते थे, रेलवे से माल आना जाना बहुत चलता था, जान पहचान हो गए नींबू लाइन पे, जहाँ नींबू एक एक दिन में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कट्टे, ऐसे कट्टे में नींबू के एक एक टोकनी डाल के सिलाई पैकिंग करके बाहर बाहर भेजते थे, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता यानी कि ऑल इंडिया चारों तरफ ही भेजते थे। तो मैंने रेलवे माल पहुँचाना लाना ले जाने का काम कर दिया, बाहर से ट्रेन से माल भी आते थे वह अपनी नागपुर मंडी में, और यहाँ नागपुर मंडी से बाहर भी जाते थे। तो ऐसे करते करते मैं एक दुकान पकड़ा, एक दुकान से दो, दुकान से चार, पूरे एक टाइम में ऐसा हो गया था, मैं नींबू लाइन की जितनी दुकान थे 8-10 दुकानें जो होलसेल जो माल भेजाते थे नींबू लाइन, पूरे दुकान मैंने मेरे अंडर में हो गया था। मेरे पास 20 लड़के काम करते थे और मेरे पास 5-6 रिक्शा था, जो वो उस टाइम में वो रिक्शा नहीं रखा था मैंने, जो उस टाइम में मैंने नींबू ढोना चालू किया तो जो सवारी रिक्शा था ना सवारी बिठाने वाला उसको निकाल करके खुला पलंग रिक्शा और एक ऐसे बॉडी है, आज भी चलता हूँ ऐसे, कुछ खुला रहता पलंग सही का, कुछ ऐसी बॉडी रहता है डाला, वो रिक्शे लिया था मैंने, 5 रिक्शे लिया था। 5 रिक्शे लेने के बाद में मैंने एक 5 गाड़ी लिया, जिसको 5 वाला बोलते हो, 5 चक्के की रहता वो गाड़ी, इस टाइम में वो गाड़ी दिखाई नहीं देते, लेकिन उस टाइम में बहुत दिक्कत है, आपने भी शायद कभी देखे होंगे, जिसमें 5 चक्के रहता है डाले ना, ऑटो सामान रहता लेकिन डाला रहता उसमें और उसके चक्के 5 रहते, वो गाड़ी लिया मैंने। तो 5 रिक्शे और वो गाड़ी रहने के बावजूद भी मैं दुकान का माल सही टाइम पे नहीं उठा पाता था, तो मैं और बाहर से गाड़ी लगाता था, कभी कभी ऐसा गाड़ी से भी माल ढोया मैंने अपने सेठ लोगों का, दलालों का। ऐसे करते करते जो मेरे पास जो लड़का जो मेरे साथ काम करता था मेरे रिक्शे में मेरे गाड़ी में हमाली करता था, वो मेरे से हट गया, खुद का उसने भी माल ढोना चालू किया, तो उसने भी माल ढोना चालू कर दिया मेरे से हट के। पहले 1 रिक्शे लिया, 1 से 2, 2 से 4 करते करते उसने वो भी मेरे जैसा पावरफुल हो गया, कहने का मतलब 5 रिक्शा उसने भी ले लिया, 1 गाड़ी उसने भी ले लिया। फिर उसी टाइम में मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया, और जो इस टाइम में मेरा लड़का जो गुजरा बड़े वाला उसका जन्म हुआ, तो मैं अब मेरे गांव से लगाव था, तो कभी भी शादी ब्याह या कुछ छोटे से छोटे कार्यक्रम होता था गांव में तो मेरे को आना ही पड़ता था। जैसे कि मेरे लड़के की डिलीवरी हुआ यानी कि मेरे लड़के का जन्म हुआ, तो मैं यहाँ
अपना दुकानदारी छोड़ के नौकरों के भरोसे, लड़के लोगों के भरोसे आता था, फिर जाता था। तो फिर जैसी अब दुकान वाले तो मेरे भरोसे रख नहीं सकता था, तो मेरे जो मेरे लड़के लोग को रखे थे टाइम पे नहीं पहुंचाया उसका माल, तो वो जो मैं मेरे से काम करते करते अलग हो गया था, अलग हट गया था, उसने अपना दुकान मेरे जो दुकान से का माल ढोना चालू कर दिया। ऐसे करते करते एक दुकान दो दुकान छूटते गया। पिताजी का तबीयत खराब हुआ तो मैंने दुर्ग में भर्ती थे मेरे पिताजी, यहाँ आया। अब फिर काम धंधे छोड़ के दुर्ग से नागपुर लेके गया, तो नागपुर के मैंने 8 से 10 हॉस्पिटल में उसको घुमाया मेरे पिताजी को। बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल है, एम्स है, सुपर हॉस्पिटल है, प्राइवेट दवाखाना है, बहुत जगह घुमाया। और मेरा ये डिलीवरी में पैसे से कमी आते गए पिताजी की तबीयत में, दुकानदारी अलग छूटते गए, और वो जो लड़का जो मेरे से हटके काम किया तो आगे बढ़ते गए। और उसने जो मेन बॉस था वहाँ का दलाल जिसका मंडी में चलता था, तो उसका काम वो करने लग गया, तो उस और ज़्यादा पावरफुल हो गए कि उसको कहने का मतलब उसको सपोर्ट मिलता था उसका। मैं छत्तीसगढ़ का रहा और वो भी उधर का एमपी का था, मैं छत्तीसगढ़ का, वो एमपी का था, तो लड़का पूरा ना, तो उसके साथ आए दिन झगड़े लड़ाई होता था। और वो मेरे से हर चीज़ से सक्षम हो गया था वो। कहने के बाद गाड़ी भी उसके पास आ गया था, लड़के लोग भी हो गए थे, पैसे से मजबूत हो गया था।